आज मैं आप लोगों को नूरपुर दूध UHT मिल्क से बनी हुई कुछ मज़ेदार सी रेसिपी सिखाऊंगी। और ये रेसिपी क्या है, ब्रेड पुडिंग है। ठीक है, ब्रेड पुडिंग में आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। आज मैंने ब्रियोश ब्रेड का इस्तेमाल किया है, स्वीट ब्रेड होती है ये आपको मिल जाती है। इसके मैंने क्यूब्स करके इस तरह रेडी करके रखा है। मक्खन है, चीनी है, नमक है, अंडे हैं, वनीला एसेंस है एंड नूरपुर मिल्क। सो हर चीज़ हमें मिक्स करके इसको रख देना है डिश में। सो सबसे पहले हम एक डिश ले लेंगे, बड़ी सी डिश होनी चाहिए। और ब्रेड पुडिंग अच्छा तब बनता है जब आप उसको ब्रेड को दूध वगैरह में अच्छी तरह सोक करोगे। सो इसके अंदर पहले तो आप ये ब्रेड डाल दीजिए। अगर बासी ब्रेड है तो उससे बहुत अच्छा बनता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि बासी ब्रेड के क्यूब्स आप इस तरह इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ब्रेड पुडिंग के लिए। ओके, सो नाउ आई नीड टू यूज़ द मिल्क, नूरपुर ओरिजिनल फुल क्रीम मिल्क, 2 कप्स जितना हम इसमें डालेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी दूध लूँगी इसी में से, इसलिए कि इसको सोक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं चीनी डालूँगी, ठीक है, 2 अदद अंडे जाएंगे, वेनिला एसेंस, बहुत थोड़ा सा नमक एंड मिक्स एवरीथिंग। नूरपुर का दूध जब आप चाय में डालते हैं तो उसका रंग बहुत अच्छा आता है। आप भी ज़रूर घर लाइएगा ये सारे प्रोडक्ट्स और यूज़ करिएगा। नाउ दिस विल गो ऑन टॉप। और बहुत अच्छा ब्रेड पुडिंग तब बनता है जब आप उसको सोक करने का टाइम दें, ठीक है। यस, आई नीड अ लिटिल बिट मोर ब्रेड नूरपुर मिल्क, 2.5 कप समझ लीजिए। ये मैंने ब्रियोश ब्रेड यूज़ की है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो भी ब्रेड आपके पास घर में हो उसको आप यूज़ करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक इसमें कोई ड्राई फ्रूट यूज़ करनी हो ड्राई फ्रूट यूज़ कर लीजिए, मामलेड डॉट करना हो मामलेड कर दीजिए। मैं इसके ऊपर मक्खन यहाँ रखा है मैंने, थोड़ा सा मक्खन हम डॉट करेंगे। जब ये बेक होगा ना तो ऊपर से बहुत अच्छा इसका एक ग्लेज आएगा। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। किशमिश मेक श्योर करिएगा अंदर हो, ऊपर से डालेंगे तो क्या होता है कि वो जल जाता है, ठीक है। मक्खन हमने डॉट कर दिया, अब ओवन खोल के इसको भी हम रख देंगे। कितना आसान था मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें थी। 2 कप दूध था, नूरपुर का हमने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया था, 2 चमचे फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/3 कप जितनी पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, चुटकी भर नमक था और 6 से 9 ब्रेड के स्लाइसेस थे जो मैंने ऐसे क्यूब्स काट लिए थे, ठीक है, और 2 अदद अंडे थे। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए। बिकॉज मेरे पास यहाँ दूसरा रैक है तो ये आसानी से हो गया।